مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم. फिरौन की बांदी मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया। फिरौन को पता चल गया, उसने पकड़वाया, आग जलाई, तेल कड़ा में, तेल खोलने लगा। उसको दो बेटियां थी, उनको पकड़वाया, कहा अब बोल, अगर मेरा कलमा पढ़ती है तुझे जिंदगी मुबारक, बच्चियां मुबारक, अगर मूसा का कलमा पढ़ती है पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुम्हें जलाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा फिरौन ये मेरी दो हैं, मेरी 100 भी होती तो मैं आग में डाल देती, ये तो दो हैं। औलाद के लिए करते हो ना, शराब क्यों बेच रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल बन जावे। ये माँ देखो, ये माँ खड़ी हुई है, माँ का कलेजा ज्यादा नरम होता है औलाद के लिए, इसलिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह बाप से नहीं दी, माँ से दी है। और ये मां खड़ी है, एक बोल पर कह सकती है, एक बोल कुफर का बोले, घर जाके तौबा करे, ईमान भी बच गया, औलाद भी बच गई। उसने कहा ये तो दो हैं, 100 भी होती तो कुर्बान कर। तो उन्होंने बड़ी बच्ची को खींचा, उसने अम्मा को पुकारा, उस मां पे क्या गुजरी होगी जब उसकी बच्ची को आग की तरफ घसीटा जा रहा हो, उसको टांगों से पकड़ा, यूं छोड़ा, खोलते तेल में वो मछली की तरह तली थी, मां का कलेजा फट गया, लेकिन आह न कर लबों को से, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, आह नहीं की तो अल्लाह ने आंखों से पर्दा हटाया, मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, वो कह रही अम्मा सबर करो, जन्नत में इकट्ठे होने वाले। फिर वो मासूम दूध पीती बच्ची को पकड़ा, जो दिल के ज्यादा करीब होती है, उसको तो पता भी नहीं चला, बड़ी को तो पता चल रहा था क्या होने वाला है, उसको तो कुछ पता नहीं, उसकी तो चीख भी ना निकली, वो तो गई और तल के रॉक और कोयला हो गई। फिर अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दा हटाया और मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा मां सबर करो अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसने बांदी को पकड़ा तो उसने कहा एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त। फिरौन ने कहा क्या, कि जब मुझे भी जला दो तो हम तीनों की हड्डियां इकट्ठी दफन कर देना, जुदा ना करना। कहा हाँ हाँ कर दिया जाएगा। हे वो भी जल गई, पैरस वालों को पैगाम दे गई कि अल्लाह को यूं भी राजी किया जाता है। ये कहानियां तुमने सुनी नहीं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उसकी हड्डियों को दफन कर दिया। 2000 साल के बाद हमारे नबी मेराज पे जा रहे हैं। जब आप बैतुल मकदस से गुजरते हुए पहुंचे तो आपको जन्नत की खुशबू आई, करीब करो, आपको जन्नत की खुशबू आई, आपने जिब्रील से पूछा ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है, तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ जहां दफन है ये खुशबू वहां से आ रही है। और उसको मरे हुए 2000 साल हो चुके हैं, 2000 साल से उसकी कब्र खुशबूदार है और वो पैगाम दे रही है पैरस वालों को कि अल्लाह को यूं भी राजी किया जाता है, यूं भी राजी किया जाता है। لألأت النجوم وحبك الغيوم.